SGS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को कैसे छुपाते हैं या कैसे हाइड करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने SGS एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, अभी मेरे कंप्यूटर में 6 हार्ड डिस्क है, जिसमें से मैं डॉक्यूमेंट्स वाले डिस्क को हिडन करना चाहूँगा। तो चलिए इसे हिडन करते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पर, उस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद मैनेज पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके नहीं आ रहा है तो स्टोर के पास जो एक देखिए छोटा सा एरो का निशान है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा और उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके कंप्यूटर की जितनी भी हार्ड डिस्क है वो यहाँ पर आ जाती है। तो आप अब चुन लीजिए कि आपको कौन से डिस्क को हिडन करना है। तो जैसे मुझे अभी डॉक्यूमेंट्स वाली डिस्क को हिडन करना है, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा और उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देखिए चेंज ड्राइव लेटर एंड पार्ट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, अब आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, ऐड, चेंज और रिमूव। तो आपको क्या करना है, रिमूव पर क्लिक करना है। तो आपका कंप्यूटर अब आपको वार्निंग दे रहा है कि आपके इस ड्राइव में जितने भी प्रोग्राम हैं वो अब नहीं चलेंगे। तो आपको बता दूँ कि कंप्यूटर में सी ड्राइव में ही प्रोग्राम चलते हैं, तो आप इसे यस कर दीजिए। तो अब इसे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ड्राइव थी, डॉक्यूमेंट्स वाली ड्राइव थी, वो यहाँ से हिडन हो चुकी है। तो अगर आप इसे फिर से अनहाइड करना चाहते हैं तो आप फिर से वहीं पर आ जाइए। डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मेरी डॉक्यूमेंट्स वाली ड्राइव ये रही, तो देखिए इसके सामने जो W था वो हट चुका है। तो मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा राइट क्लिक, उसके बाद चेंज ड्राइव लेटर एंड पार्ट्स पर क्लिक करना है आपको। तो देखिए, अब यहाँ पर चेंज और रिमूव तो नहीं हो सकते, तो आपको ऐड करना है और उसके बाद यहाँ से अपनी डिस्क को चुन लीजिए। जैसे मुझे मेरी W थी, उसके बाद ओके कर दूँगा। तो अब आप माई कंप्यूटर पर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वाली ड्राइव फिर से अनहाइड हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।